नमस्कार दोस्तों, कथा संचय चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। मेरी लिखी हुई और नई कहानियां रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आज बाजार में बहुत भीड़ थी और ऊपर से सुवर्णा के हाथों में लंबी चौड़ी लिस्ट थी, जिसके कारण उसे खरीदारी करते हुए देर भी हो गई और वो थकान के मारे चूर भी हो गई थी। खैर, किसी तरह उसने अपने लिस्ट में मौजूद सभी सामान खरीदे और रिक्शे में बैठकर घर पहुंची। सुवर्णा ने जैसे ही सब्जी और राशन से भरे हुए थैले के साथ घर के भीतर प्रवेश किया, वैसे ही उसने देखा कि उसकी सास मधुरिमा जी हॉल में बैठी हुई रो रही थी। उन्हें रोते हुए देखकर सुवर्णा ने थैला फर्श पर रखा और दौड़ती हुई उनके पास आकर पूछने लगी, क्या हुआ मम्मी जी, आप रो क्यों रही हैं? मधुरिमा जी ने सिसकते हुए कहा, सब मेरे ही कर्मों का फल है बहू। रितेश मुझसे पैसे मांग रहा था, मैंने देने से इनकार कर दिए तो वह मेरे पेंशन के सारे रुपए मुझसे छीन कर ले गया। मैंने उसे कितना प्यार दिया और आज देखो उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है। इतना कहकर वो फिर से रोने लगी। सुवर्णा अपनी सास को दिलासा देने लगी और वह कर भी कह सकती थी। सुवर्णा को तो खुद ही शुरुआत से ही देवर की हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती थी। उसे याद आ गया वह दिन जब सुवर्णा को देखने के लिए उसकी सास, पति रजत और देवर तीनों उसके घर आए थे। सुवर्णा को देखते ही रजत उसके भोले से मासूम से चेहरे में कहीं खो सा गया था। लेकिन सुवर्णा के देवर रितेश ने भाई को कोहनी मारते हुए कहा था, ये लड़की तो बहुत तेज लग रही है, देखो तो इसने घूंघट भी नहीं लिया हुआ है। रजत भाई को घूरते हुए चुप रहने का इशारा करने लगा था। सुवर्णा ने भी रितेश की बात सुनी थी, लेकिन उसने सोचा था कि वो मजाक कर रहा है। लेकिन ससुराल आने के बाद धीरे धीरे रितेश का उद्दंड व्यवहार उसके सामने आने लगा था। सासू माँ के अत्यधिक दुलार प्यार के कारण रितेश इतना जिद्दी और अहंकारी बन चुका था कि खुद से बड़ों का लिहाज भी करना भूल चुका था। अब तो वो खुद की माँ का कहना भी नहीं मानता था। शायद अब सुवर्णा की सास मधुरिमा जी को एहसास हो रहा था कि उन्होंने अपने छोटे बेटे की परवरिश ठीक ढंग से नहीं की, उसे थोड़े अनुशासन के साथ पालना चाहिए था। लेकिन अब तो स्थिति हाथ से निकल चुकी थी, अब पछताने से कुछ मिलने वाला भी नहीं था। रितेश अपनी भाभी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता था। सुवर्णा ने शुरुआत में उसकी पढ़ाई के बारे में बात करने की कोशिश की थी तो रितेश ने उसे झिड़क दिया था कि आप कौन होती हो मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने वाली। तब से सुवर्णा अपने काम से काम रखती थी और देवर से ज्यादा बात ही नहीं करती थी। वैसे भी किसी को भी जानबूझकर अपना अपमान करवाने का शौक नहीं होता है। रितेश केवल अपने बड़े भाई रजत से थोड़ा डरता था और उसके सामने मुंह नहीं खोलता था। रजत की अनुपस्थिति में वो किसी की नहीं सुनता था, अपनी माँ को भी खूब भला बुरा सुनाते रहता था। सुवर्णा रोज रोज की किचकिच से परेशान हो चुकी थी। वो हमेशा सोचती थी कि यदि देवर की गलत बातों का विरोध नहीं किया गया तो उसकी हिम्मत दिन पर दिन बढ़ती ही जाएगी। सुवर्णा सही मौके की तलाश में थी और होली में कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल कर रह गया। होली के दिन सुवर्णा अपनी सास के साथ रसोई में खाना और पकवान वगैरह बनाने में लगी हुई थी। तभी सुवर्णा की सास मधुरिमा जी की कुछ सहेलियां घर पर आ गई। मधुरिमा जी रसोई से निकलकर उनका स्वागत सत्कार करने लगी। रजत भी अपने कुछ दोस्तों से मिलने के लिए बाहर गया हुआ था। सुवर्णा जल्दी जल्दी पकवान बना रही थी तभी उसका फोन बजा। सुवर्णा ने फोन उठाया तो गली के आखिरी छोर पर रहने वाली ज्योति घबराई हुई सी आवाज में बोली, भाभी रजत भैया कहाँ हैं? उनका फोन नहीं लग रहा है। सुवर्णा चिंतित स्वर में बोली कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो, बात क्या है? रजत तो बाहर अपने दोस्तों के साथ है। ज्योति ने जल्दबाजी में कहा, भाभी वो रितेश है ना, वो मोहल्ले की लड़कियों के साथ रंग लगाने के बहाने बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है। पहले तो वो अपनी भद्दी बातों से सबको परेशान कर रहा था, लेकिन अब उसकी हरकतें हद से ज्यादा बढ़ने लगी हैं। प्लीज अब भैया को भेज दो। सुवर्णा का चेहरा गुस्से से दहक उठा। वो बाहर आई तो उसे रजत कहीं दिखाई नहीं दिया, तो वो खुद ही तेज कदमों के साथ चलती हुई उस जगह पर पहुंच गई जहां रितेश उन लड़कियों को परेशान कर रहा था। सुवर्णा ने अपनी आंखों से देखा कि रितेश वहां पर मौजूद था। वह लड़कियों के ऊपर रंगीन पानी से भरे हुए गुब्बारे फेंक रहा था, बीच बीच में जाकर किसी लड़की को गलत तरीके से स्पर्श करने की कोशिश भी कर रहा था। उसकी इस हरकत पर जब लड़की विरोध कर रही थी तो वह चिल्लाते हुए कहता था कि बुरा न मानो होली है।
यह दृश्य देखकर सुवर्णा से रहा नहीं गया और वह गुस्से से उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और क्रोधित स्वर में बोली, देवर जी आप ये क्या कर रहे हैं। सुवर्णा ने रितेश की ओर क्रोध भरी नजरों से देखते हुए कहा। रितेश रंग से भरे हुए चेहरे के बीच में बत्तीसी चमकाते हुए बोला, अरे भाभी आज तो कोई रोक टोक नहीं, आओ आपको भी रंगों से सराबोर कर दूं। इतना कहकर रितेश जैसे ही आगे बढ़ा, सुवर्णा ने झट से लपक कर उसकी कलाई को पकड़ लिया और उसे जोर का तमाचा मारते हुए बोली, होली में बेशर्मी पर उतरने का लाइसेंस नहीं मिल गया आपको? आप मोहल्ले की लड़कियों के साथ ये किस प्रकार का अभद्र व्यवहार कर रहे हैं? रितेश क्रोध से तिलमिला उठा और अगले ही पल गुस्से से चीखते हुए बोला, आपकी इतनी हिम्मत कि आप मुझ पर हाथ उठाओ, आज तो आपकी खैर नहीं, देखता हूँ मुझसे आपको कौन बचाएगा। वैसे भी आप जब से हमारे घर में आई हो, मेरी माँ और भैया को आपने मेरे खिलाफ भड़का दिया है, आज मुझे भी बदला लेने का मौका मिल ही गया। इतना कहकर वो रंगों से भरी बाल्टी उठाकर सुवर्णा की तरफ बढ़ने लगा। तभी सुवर्णा का पति रजत बीच में आ गया और उसे फटकार लगाते हुए बोला, ये सब क्या हो रहा है रितेश? भाई को देखते ही रितेश के स्वर नरम पड़ गए और वो हकलाते हुए कहने लगा, भैया वो तो मैं बस होली खेल रहा था। रजत गुस्से से बोला, सब देख लिया मैंने कि तुम किस प्रकार की होली खेल रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सुवर्णा को यहाँ आते हुए देख लिया और उसके पीछे पीछे चला आया, नहीं तो पता नहीं तुम होली के बहाने और कितना नीचे गिर जाते। अब बहुत होली खेल लिए तुम, चलो घर चलो। रितेश सिर झुकाए हुए वहां से चला गया। सुवर्णा ने सोच लिया था कि अब से वो रितेश की हर गलत हरकत के विरोध में आवाज जरूर उठाएगी, क्योंकि आज उसे समझ आ गया था कि गलत बातों को चुपचाप सहते रहने से गलत करने वाले को बढ़ावा मिलता जाता है। आज सुवर्णा को अपने पति पर बहुत गर्व महसूस हुआ कि उसने बेझिझक सही का साथ दिया था। दोस्तों, कुछ लोग होली के बहाने बेशर्मी पर उतर आते हैं, लेकिन उन्हें गलत कदम उठाने से पहले ये सोचना चाहिए कि यदि कोई उनके घर की महिलाओं के साथ ऐसे ही मौके का फायदा उठाकर दुर्व्यवहार करने की कोशिश करे तब उन्हें कैसा लगेगा। कोई भी त्योहार खुशियां मनाने के लिए होता है, आपस में प्रेम और सम्मान की भावना को बढ़ाने के लिए होता है। ऐसे में ये बिल्कुल भी उचित नहीं है कि किसी त्योहार का बहाना बनाकर अभद्रता पर उतरकर गलत हरकत की जाए। और अगर कोई ऐसी घटिया हरकत करके रंग में भंग डालने की कोशिश करे तो उसी समय सभी को उसके खिलाफ एक स्वर में आवाज उठाते हुए गलत का विरोध करना चाहिए, क्योंकि त्योहार के बहाने किसी के सम्मान पर प्रहार नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।